चुनाव के लिए हम हैं तैयार, पर सपा की नियत है खराब, लगा रही है अड़ंगा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने लगाया आरोप, कहा समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के एक नेता के भाई के माध्यम से पैदा कर रही है अड़चन। निकाय चुनाव में देरी में सपा है दोषी, सपा की मानसिकता है दलित, पिछड़ा और महिला विरोधी। समय से चुनाव चाहती है योगी सरकार, जिसका जो हक है उसे दिलाने की है मनसा। न्यायालय के हर आदेश का पालन करेगी योगी सरकार। सदर सांसद रवि किशन ने लोकसभा में सहजनवा, पीपीगंज और कैंपियरगंज रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से स्थगित विभिन्न ट्रेनों के ठहराव का उठाया मुद्दा, कहा जनहित के लिए आवश्यक है दोबारा ट्रेनों का ठहराव। रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने व अवैध शस्त्र रखने वाले 5 अभियुक्तों अरविंद यादव, शिव प्रताप यादव, प्रतीक उर्फ प्रिंस पांजे, प्रेम यादव और अनिकेत शर्मा के ऊपर सहजनवा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्यवाही। सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद ने दी जानकारी। जनवरी 2023 को मनाया जाएगा मकर संक्रांति, खिचड़ी महापर्व। गोरक्ष पीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा इस मकर संक्रांति में मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वाले जातकों को मिलेगा विशेष लाभ। दो शातिर चोरों संजय जायसवाल व अंगद गोस्वामी पर सिकरीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। प्रदेश के नगरों की विशिष्ट विशेषताओं को उद्घाटित करने की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोरखपुर जनपद और शहर का मनाया जाएगा जन्म सृजन दिवस। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा ऐतिहासिक पौराणिक विरासत स्थल के महत्व के स्थानों पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। गाँव में भी सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जुटी है योगी सरकार। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 151 स्थानों पर पंचायती राज विभाग द्वारा लगवाए गए उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे। प्रथम फेज में 307 स्थलों पर ग्राम निधि से लगने हैं सीसीटीवी कैमरे। जनहित में यूनियन बैंक ने अपने सीएसआर फंड से 8 डिब्बे वाले कूड़ेदान सहित 13 ट्राईसाइकिल नगर निगम को किया गिफ्ट। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ट्राईसाइकिल को हरी झंडी दिखाकर वार्डों में किया रवाना, कहा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर कर्मचारी ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से स्वच्छता एवं सफाई पर लोगों को करेंगे जागरूक। शहर के वार्ड नंबर 38 महेवा स्थित कान्हा उपवन नगर में रहने वाले आम नागरिकों का बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने तत्काल मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की सड़क की स्वीकृति, कहा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय निवासियों से ली जाएगी जानकारी। और गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां हुई शुरू। मेले में ब्रेक डांस, ज्वाइन बिल, टोरा टोरा, नाव, रेंजर, तमाम तरह के झूले के साथ मैरी ग्राउंड नाम का आया नया झूला। झूला व्यवसायी ने कहा 25 दिसंबर से ही लोग इनका शुरू कर देंगे उठाना लुफ्त।